लेटेस्ट एंड अपडेट ट्रिक्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट ट्रिक्स मिलती रहें। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर, जैसे कि पहले ही आपको इंट्रोलॉग से पता चल गया कि हम आज बात करने जा रहे हैं कि फोटोसेल्फ पे जो हमारी जो आईडीज हैं वो जा रही हैं, उनको किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं ताकि हमारी आईडीज जो फोटोसेल्फ पे ना जाएँ। तो इसके लिए बेसिकली आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लाया हूँ दो एप्लीकेशन न्यू। इन एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है और जिस तरीके से मैं कहूँगा आप उस तरीके से अगर वर्किंग करेंगे तो आपकी आईडी जो फोटोसेल्फ पे नहीं जाएंगी। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं ट्रिक बगैर टाइम वेस्ट किए और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं साथ साथ जो टिप्स आपको बताता रहूँ वो आपको हृदय नशीन होती जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे अपने एक मेल डाउनलोड करना है, उसको अपने यूनिडेक्स लिखना है या अपने फर्स्ट डाउनलोड करना है। फर्स्ट क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि इसकी एम बीज बहुत कम है, 4.4 इसकी एम बीज आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, 7 तक इसकी। इसके अलावा अगर आप 74 MB वाला डाउनलोड करेंगे तो ये भी चलेगा, लेकिन आपको जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप वो करें। एक तो आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसके बाद जो सेकंड आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मतलब कि ब्राउज़र, क्योंकि हम ब्राउज़र जो है इस दफ़ा यूसी ओपेरा मनी ये यूज़ नहीं करेंगे। इस दफ़ा जो ब्राउज़र आपके लिए रिकमेंड किया जा रहा है वो आपने लिखना क्या है, बार के ऊपर आपने लिखना है ब्राउज़र, नेक्स्ट आपने एक वर्ड लिखना है गो, ब्राउज़र गो इसका नेम है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, ये मैंने देखे इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए वो पहले मैं वर्किंग चेक कर लेता हूँ आया कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो ये दो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ब्राउज़र को ओपन करना है। तो चलिए ब्राउज़र की तरफ। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र गो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने फेसबुक वाले ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन पे जाने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो इसके बाद आपने नेम वगैरह जो पेस्ट कर लेना है, पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आप मेल जो है वो पेस्ट करेंगे। मेल पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, आपने जेंडर जो है ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप सिंपल एक पासवर्ड ऐड करेंगे। सिंपल पासवर्ड जो है ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपका अकाउंट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने क्या करना है, कंफर्मेशन कोड ऐड करना है, वो आपको मेल के ऊपर आ जाएगा। तो अभी हम वो जो है मेल की तरफ जाएंगे और ये कोड जो है वो यहाँ पे पेस्ट करके अकाउंट क्रिएट करके आप दिखाएंगे कि आपकी आई डी जो फोटोसेल से बच गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, नॉट नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे ताकि हम आई डी को क्या कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकें। तो ये है न्यू ट्रिक, आप इसको यूज़ कीजिए। तो सब अभी चलते हैं मेल की तरफ। तो कन्फर्मिंग कोड हमने ऐड कर दिया है, कोड जो है वो 70414 है, हमने इसको ऐड किया है। तो आपका अकाउंट जो होगा वो कन्फर्म हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका, तो अभी हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास आईडी जो है कम्प्लीटली तौर पर बगैर फोटोसेल्फ के हमने आईडी जो है वो क्रिएट कर ली। तो ये थी सिंपल ट्रिक। तो अब जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताने वाला था, पहले मैंने आपको बताया था कि एंड पे आपको बताऊंगा वीडियो के, आप एंड तक वीडियो देखें। तो वो जो लास्ट ट्रिक है वो यही है कि आपने क्या करना है, फेसबुक लाइट के ऊपर क्या करना है, इसको लॉग इन करना है और एक वीक तक अपने डीएक्टिवेट अपने अकाउंट को रखना है ताकि आपका अकाउंट जो है वो ठीक रहे। तो इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो कम्प्लीटली परमानेंट ठीक रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं न्यू ट्रिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।